हाय बच्चों, बादशाह भाई गुड इवनिंग, अमान गुड इवनिंग, विनीत गुड इवनिंग, हाय हाय अमान, सोनी गुड इवनिंग, विवेक, ईशा कुमार यस गुड इवनिंग, अमित हाय, संजना मारिया गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग, रजनीश गुड इवनिंग, प्रशांत कुमारी, नैना सागर, ऋतिक यानी जिया कुमारी, ऐसा गुड इवनिंग, राखी गुड इवनिंग, प्रदीप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, साहिद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मिस्टर मजनू कौन है भाई, शशि गुड इवनिंग, जूही गुड इवनिंग, श्वेता, तन्नु कुमारी अच्छा गुड इवनिंग, ब्यूटी मेहता गुड इवनिंग, आशीष गुड इवनिंग, ये लाइव आप लोग शेयर कर सकते हैं बच्चों, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनके पास डायरेक्ट इसका लिंक भेज दीजिए, उन्हें पता भी चल जाएगा और वे देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइव शेयर भी आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो उनके लिए फायदा है। ओके नीरज गुड इवनिंग, रिया अमान ठीक है, आप लोग शेयर करो इसको, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर उनको पता नहीं है देन यू कैन हेल्प देम। हर्ष बादशाह भाई स्टार्ट क्लासेस, यस शुरू कर रहा हूँ बच्चे, शुरू कर रहा हूँ, 25 लोग जुड़े हैं, वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, 8:05 में हम लोग शुरू कर देंगे। गुड इवनिंग करिश्मा, करिश्मा है, करिश्मा लिखी है, अच्छा कोई बात नहीं, इट स्टार्ट सर जी, ओके रोहित शर्मा, ओके ओके चले बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहला प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर, इसमें लेखक का नाम क्या है जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो इसके लेखक का नाम क्या है, पहला है एलन ईस्ट, गॉर्डन कुक, सी बोथ, डी नन, सही जवाब आ गया है आदित्य का,
आदित्य का सही जवाब है, विनीत का सही जवाब है। सही जवाब खुशी, जूही, अमान, निंजा गेमिंग, यस, एचके गेम गेमर्स, कुमारी नैना, जिया कुमारी, श्वेता हजारी, कुरा किंग एसके, नंदनी आर्या, सी विवेक, गलत हो गया बच्चे, फोटो एडिटिंग सी। इसमें सही जवाब जो होगा बच्चों वो होगा यस शगुफ्ता, सी सी इज द राइट आंसर। हर्ष कुमार गुड इवनिंग शगुफ्ता। यस सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसके ऑथर कौन है, इसका सही जवाब है एलन ईस्ट एंड गॉर्डन कुक दोनों ही, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी बोथ। बढ़ते हैं आगे हम लोग। विच ईयर डिड दे स्टार्ट देयर जर्नी, किस साल इन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। काजल गुड इवनिंग। चलिए फोटो एडिटिंग का जवाब आया है सी, आदित्य का सही जवाब है। बाकी लोग भी देखो बच्चों सही जवाब भेजो। बी निंजा गेमिंग सोनी कुमारी, गलत हो गया बच्चे, निंजा गेमिंग विनीत, बी प्रशांत काजल खुशी, यस शगुफ्ता सही है, एच के गेमर सही है, यस बादशाह भाई, बादशाह का बी से नाम है बच्चे, बी सही है इसमें। 1976, 1976 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज, यात्रा की शुरुआत जो है वो कहां से शुरू हुई थी। अमेरिका से, मेक्सिको से, जर्मनी से, प्लाइमाउथ इंग्लैंड से। सही सही, पहला जवाब आदित्य का आया है, शगुफ्ता का दूसरा सही जवाब है, यस सोनी, साहिद गलत हो गया, विनीत, अमान, विवेक, काजल, काजल का गलत है, विनीत, प्रशांत, जूही, आशीष, कुरा किंग, एसके, खुशी, श्वेता, अमित, कुमारी नैना, अमित कुमार, ब्यूटी, नीरज, सही जवाब है बच्चों, बादशाह भाई का डी है, कौन है बादशाह भाई, ऋतिक, जिया कुमारी, अच्छा डी ऑप्शन। डी प्लाइमाउथ इंग्लैंड इज द राइट आंसर, यस राखी सही है। फोटो एडिटिंग ने एफ भी लिख दिया भाई, इसमें ऑप्शन तीन ही चार दिख रहा है तो आप एफ एफ कहां से लिख रहे हो थोड़ा सा ध्यान नहीं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, पूरे दुनिया की यात्रा करने का डिसीजन लेखक ने क्यों लिया भाई। पहला ऑप्शन है टू डुप्लीकेट द वॉयज, यस शगुफ्ता, अब्बास, आदित्य, सोनी, फोटो एडिटिंग, खुशी गड़बड़ हो गया, अमान सही है, विनीत सही है, पूर्णिमा, नंदिनी, निंजा गेमिंग सही है, बादशाह, बादशाह कुरहा ठीक है, विनीत,
क्या बात है बच्चों, इसका सही जवाब है टू डुप्लीकेट द वॉइस मेड 200 इयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो यात्रा की थी उसी यात्रा की नकल करने के चक्कर में उसने डिसीजन लिया, लेखक ने डिसीजन लिया। सो सही जवाब इसका ए है, जिया कुमारी, यस सही है, बिल्कुल सही। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, लेखक का ऑक्यूपेशन क्या था, क्या करते थे लेखक, बिजनेसमैन थे। यस, जबरदस्त जवाब, वेरी गुड। सेलर थे, जहाज चलाते थे, नाविक थे, टीचर थे, या इनमें से कोई नहीं। पहला जवाब शगुफ्ता ने दिया है, फिर फोटो एडिटिंग ने आदित्य ने दिया है, छोटा छोटा बाबू ने दिया है, कुरा किंग, सौरभ क्रिएशन, विनीत, छोटा बाबू, सोनी, पूर्णिमा, बादशाह, करिश्मा, साहिद, विनीत, आशीष, जूही, करण, आर्यन, श्वेता यानी तन्नू है ना, चलो ठीक है, विनीत, यस बिल्कुल सही, अभिषेक, अभी तुम लेट से लगता है ज्वाइन कर रहे हो, बिजनेसमैन इज द सही आंसर। लेखक जो थे वो एक बिजनेसमैन थे। या बिल्कुल, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स वाइफ, या अपोस्ट्रॉफी एस छूट गया बच्चों, कोई बात नहीं, ऑथर की पत्नी का नाम क्या था, अपोस्ट्रॉफी एस होगा यहाँ पे, एडिटिंग में मिस्टेक है। ऑथर के वाइफ का नाम क्या था, जेन, केट, मैरी, कैथी। यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहला जवाब विनीत, फिर शगुफ्ता, फिर छोटा बाबू, बादशाह, पूर्णिमा, अमान, मजनू, अभिषेक, जूही, विनीत, प्रशांत, जिनका भी ऑप्शन सी है, मैरी, यही सही जवाब है, मैरी इज द राइट आंसर बच्चों। यस, सिक्स नंबर का सही ऑप्शन है सी, मैरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट वॉज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन, सुजैन और जोनाथन की उम्र क्या थी। क्वेश्चन नंबर सेवन का जवाब, वेरी गुड, यस, पहला जवाब शगुफ्ता का है, सौरभ, विनीत, आदित्य, सोनी, विनीत, अभिषेक, सेवन एंड सिक्स इयर्स। सुजैन जो थी, सुजैन वॉज सेवन इयर्स ओल्ड एंड जोनाथन यानी जॉन वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड, वेरी गुड। यस, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को बच्चों, आगे बढ़े हम लोग, शुड बी गो अहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर, लेखक कितने उम्र के थे जिन्होंने इसको लिखा है। शुरू चैप्टर में बताया गया था, चलिए जबरदस्त,
वेरी गुड, पहला जवाब तुम्हारा है शगुफ्ता, सही है। ब्यूटी सही है, एलोन गेमिंग सही, विनीत, आदित्य, अभिषेक, सौरभ, अमान हटा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, पूर्णिमा, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खुशी, रजनीश, ए बी अलोन गेमिंग 100% डी, ठीक है, कुमारी नैना, जिया, अच्छा ऋतिक के नाम से जो है वो जिया है ना, वेरी गुड, माय नेम इज सुधांशु, अच्छा सुधांशु, ओके लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेता, यस, हर्ष, नंदिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी इयर्स दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा की तैयारी कितने सालों से ये लोग कर रहे थे, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18, आदित्य का सही जवाब आया है 9th का सही ऑप्शन है बी, विनीत, पूर्णिमा, अभिषेक, वेरी गुड, सौरभ, विनीत, विनीत, नंदिनी, काजल, विनीत, 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 नौशीन, ब्यूटी, निंजा, विवेक, क्या बात है बच्चों, सही बात है, सही जवाब है ऑप्शन बी 16 सालों से, यस शगुफ्ता सही है, रजनीश सही है, शुभश्री सेट्टी, जूही बी, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर, ऑफ द ऑथर, लेखक के जहाज का नाम क्या था, यस शगुफ्ता, वेरी गुड, नौशीन, नहीं गलत हो गया, ऋतिक, पूर्णिमा, अर्पिता, प्रशांत, आदित्य, वेरी गुड, आदित्य, बादशाह, वेरी गुड, यस, इसका सही नाम है वेव वॉकर, इसका नाम था वेव वॉकर, यानी नाव पर चलने वाला, राइट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दो, व्हाट वाज द साइज एंड वेट ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर जो जहाज या बोट जो उनके पास था उसका साइज और वेट क्या था, 20 मीटर और 40 टन, 21 मीटर 50 टन, 22 मीटर 35 टन, 23 मीटर 30 टन, किसी का सही जवाब आया नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है बच्चों, अर्पिता का सही आंसर आया है, पूर्णिमा का सही आया है, अमान का सही है, शुभश्री का सही है, विनीत सही है, शगुफ्ता वेरी गुड, सोनी का सही है, वेरी गुड, इसका ऑप्शन है डी 23 मीटर इसकी लंबाई थी और 30 टन का यह भारी था जहाज, राइट,
ऑप्शन डी इज द ओके. आदित्य जवाब दिया होगा, हो सकता है मैं देख नहीं पाया बिकॉज अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसको डील करेंगे जिया. अगर प्रॉब्लम है तो मंडे को हम लोग जब मिलेंगे क्लास में देन वी विल डील इट. अगर कहीं समस्या है तो हम लोग इसको डील कर लेंगे, राइट. ऐसे अगर ज्वाइन किया होता क्लास तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, राइट. नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन. व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम. कौन सी यात्रा उनके लिए प्लीजेंट थी, आनंददायक थी, कहीं दिक्कत नहीं हुई. शगुफ्ता, वेरी गुड. विनीत, रजनीश, अच्छा गुड. फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन तक की इनकी यात्रा जो थी बहुत प्लीजेंट थी क्योंकि इस दौरान कोई भी खराब मौसम उनको नहीं मिला और ये आराम से यात्रा कर रहे थे. यस हर्ष कुमार, वेरी गुड. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग जर्नी डिड दे कवर विथ प्लेजेंट वेदर. अच्छे और शानदार वेदर के साथ बिना कोई प्रॉब्लम के कितनी लंबी यात्रा इन्होंने बढ़िया से तय कर ली. 1,05,000, 1,05,000 किलोमीटर, 2,00,000 किलोमीटर्स, 1,15,000 किलोमीटर्स. आदित्य, वेरी गुड. वेरी नाइस. विनीत, श्वेता, अभिषेक, अर्पिता, ईशा कुमारी, अच्छा ईशा कुमार लिखा हुआ है. बी, यस. 1,05,000 किलोमीटर उन लोगों ने जर्नी जो है बहुत प्लेजेंटली तय कर लिया. यह श्वेता शर्मा, ठीक है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th ऑफ डिसंबर. 25 दिसंबर को ये लोग कहाँ पहुंचे. 3,500 किलोमीटर ईस्ट की ओर केप टाउन. दे वेर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन या 2,500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन रीच्ड केप टाउन. आदित्य, वेरी गुड. तुम्हारा जवाब सही है. इसका ऑप्शन सही है ए, 3,500 किलोमीटर ईस्ट की ओर केप टाउन की ओर ये लोग पहुंच चुके थे. यस अमान, जूही, सही है. अभिषेक, सही है. वेरी गुड. यस बच्चों एक बार लाइक सारे लोग कर दो. मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है. नहीं, एक बार सारे लोग लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा, राइट. ये बच्चा कौन है मेरे बारे में इतना सोच रहा है. यस ए बी अलोन गेमिंग, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. यस हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों. एक बार लाइक जरूर कर देना. अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी और ऐसे एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों. अच्छा अपने चैनल को कह रहा है, ठीक है, उसके चैनल को भी कर देना, लेकिन यहां भी कर सकते हो तुम लोग, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट वेयर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन हुम द ऑथर हायर्ड. उन दोनों दोनों
जो क्रूमैन थे यानी सेलर्स को जिसने लेखक ने हायर किया था उनका नाम क्या क्या था? ऑप्शन ए बी सी डी देखिए आप लोग, शेली एंड कैबिल, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर। यस रजनीश, तुम्हारा भी अगर कोई चैनल है तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। रजनीश ही नाम है तुम्हारा या कुछ और नाम है? शगुफ्ता, सही जवाब है तुम्हारा, वेरी गुड। यस काजल, मजनू, विवेक, ईशा, अच्छा, श्वेता, हर्ष, खुशी, कोमल, कुमारी नैना, विनीत, खुशी शर्मा, रजनीश बी, यस, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर। एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछूं बच्चों, देखते हैं कि कौन जवाब देता है। यहाँ वो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर जवाब आप लोग दे सको तो बहुत खुशी की बात होगी। लैरी विजिल और हर्ब सिगलर जो हैं, ये दोनों कहाँ कहाँ के थे? लैरी विजिल कहाँ का था और हर्ब सिगलर कहाँ का था? किसी को याद है? चलो ठीक है, जवाब आ रहा है स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, अमेरिका। लैरी विजिल उल्टा हो गया सौरभ। पहला जो है वह कोई बात नहीं बेटा, मेरे ही बारे में बोल रहे थे, रोने की कोई बात नहीं है। ओके पहला जो जवाब होगा अमेरिका और दूसरा का जवाब होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। लैरी विजिल जो था अमेरिकन था और हर्ब सिगलर जो था वो स्विस था यानी स्विट्जरलैंड का था, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। When did the waves start getting gigantic? Waves जो थे वो बड़े बड़े कब से दिखाई पड़ने लगे, शुरुआत कब से हो गई थी? December 25 से ही, January 2 से, November 30 से या December 31 से? आदित्य का सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 दिसंबर से ही इन लोगों की स्थिति खराब हुई थी, January 2 तो और भी बदतर स्थिति हो गई, तो 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे था इन लोगों ने ठीक से नहीं मनाया, मना नहीं पाए ये लोग। जाजेंटिक जो था January 2 को जो था वो जाजेंटिक डबल हो गया था। जाजेंटिक मीन्स 15, शुरुआत यहाँ कह रहा है, स्टार्ट कह रहा है, स्टार्ट गेटिंग जाजेंटिक, शुरुआत कब हुई थी? नहीं, शुरुआत जो थी इसकी, रजनीश, अच्छा रिया नाम है तुम्हारा, ओके रिया, नाम जो है रजनीश लिख के आ रहा है इसलिए मैं रजनीश बोल रहा हूँ, चूंकि इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हु इज द पर्सन, राइट। यहाँ कह रहा है ना वेव्स स्टार्ट कब से शुरू हुए जाइंटिक होना, जाइंटिक मतलब विशाल होना शुरू हुआ। आगे क्वेश्चन तुमको मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड दे डू टू शो डाउन टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? जब तूफान आ गया तो उन लोगों ने जहाज को स्लो करने के लिए क्या किया? स्टॉप्ड सेलिंग, उन लोगों ने नाव चलाना बंद कर दिया। ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड द हेवी मूरिंग रोप। यस शगुफ्ता, सही है। जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, केवल स्टॉर्म जिब डाला।
डिड नथिंग बट वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन, उन लोगों ने वेट किया कि अब थोड़ा शांत हो जाए तो आगे बढ़ेंगे. यस, वाह, ये चलो ईशा गुप्ता, तुम 18 नंबर की भी तैयारी करके रखी थी कि 18 का जवाब क्या देना है ना. चलो, वेरी गुड, सो कॉन्शियस, सो कॉन्शियस. आई लाइक दिस स्पिरिट, इस तरह की लगन हो तो आप लोग झंडार दोगे आगे. सौरभ, तुम नहीं पढ़े बेटा तो तुमको ध्यान देना चाहिए ना, मैंने तो आज भी कह दिया था, तो आप लोगों को रिविजन कर लेना चाहिए था. यस, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सबसे पहले स्टॉर्म जीप को गिराया गया और हेवी मूरिंग रोप को डाला गया ताकि जहाज कंट्रोल रह सके. रिया, राइट, इसका सही आंसर बी होगा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर और आपके ऑप्शन ये हैं. What was the first indication of disaster? Yes, legend ho tum log. Around 6 p.m. when winds dropped and sky grew darker. Pehla option hai. B hai, next morning when the ship started creaking. Option C hai, when it started raining, when winds were strong. वाह, यस शगुफ्ता सही है, आदित्य सही है, आशीष सही है, नौसेन, विनीत, श्वेता, अर्पिता, सोनी, निंजा गेमिंग, खुशी, नौसेन, रजनीश, रिया ना, ओके, अभी तक 14 ही लाइक मिला है. थैंक यू मेरे लिए, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चे, लव यू ऑल. आप लोगों से बहुत प्यार है मुझे, आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, और जब ध्यान देता है ना बच्चे पढ़ाई पे तो वो रॉक करता आगे जाकर. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर. जब पहला इंडिकेशन मिल गया कि क्या खतरा आने वाला है, अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल इन ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स. जो क्या बात है, 19 का जवाब आ गया. यस अब्बास, वेरी गुड, वेरी गुड जूही, क्या बात है, सबको पता है, सबको पता है, आप लोगों ने तो झड़ी लगा दी. जानी, हम केन हाई स्कूल के बच्चे हैं, पानी में भी आग लगा देते हैं. वेरी गुड जिया कुमारी, सही है. वेरी गुड बच्चों, 19th का सही जवाब आया है. वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप. लगेगा लगेगा, आग तुम लोग जरूर लगाओगे. हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप, शिप को कैसे प्रभावित किया जो विस्फोट हुआ तूफान के कारण. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. पानी जो है वो ग्रीन पानी जो है समुद्र का टोरेंट की तरह, धारा की तरह अंदर घुस आई. द शिप स्टार्टेड सिंकिंग, जहाज डूबने लगा. द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की ओर अचानक से हो गया शिप. या फिर नन ऑफ द एबव, या कोई भी नहीं. Yes, A is the right answer. Thank you, Sagar. Love you all, बच्चों. बहुत मेहनत
आप लोग कर रहे हो, इतने रात तक पढ़ाई कर रहे हो, सो गुड। नौशीन सही है, सही जवाब है। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन, जैसे कहते हैं समुद्र हरा दिखता है, ठीक है, वो पानी जो है अंदर की ओर घुस गया और शिप को तोड़ दिया इसने ना। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। अचानक लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी मौत नजदीक है? क्योंकि पायरेट्स ने, पायरेट का मतलब होता है डाकू, ने अटैक कर दिया था। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय एक्सप्लोजन, या कोई एक्सप्लोजन हो गया, कुछ विस्फोट हो गया। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, हाँ इसमें क्या हो गया, वो घायल हो गया इसके कारण। ही वॉज थ्रोन इन द सी, वह समुद्र में गिर गया। एंड ही वॉज स्टैब्ड, उसे चाकू लग गया। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सही बात है। 19th सही जवाब दिया आप लोगों ने। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। जब उसका सर जो है, लेखक का सिर जो है पानी के बाहर आया, तो उसने क्या देखा? द शिप वॉज सिंकिंग, यानी नाव डूब रहा था। द शिप वॉज नो वेयर टू बी सीन, कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था यह। ओके आदित्य, सही बात है जवाब। द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट, और इसका मस्तूल जो था, मास्ट जो था, हॉरिजेंटल हो गया था, ये देखा। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, अभी भी ये खड़ा था। सही है, जिसने भी सी ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? कुछ बच्चे भाग गए हैं, आए लगता है भूख लग गई उनको पहले ही। हाँ, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नेट की भी प्रॉब्लम होती है। यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज्ड टू रीच द डेक। जब डेक तक पहुंचने की कोशिश उन लोगों ने की, यानी लेखक ने की, तो क्या हुआ? हिज हेड स्मैश्ड, क्या उनका सर टकरा गया? अच्छा, रिचार्ज खत्म हो गया है फिर भी, वेरी गुड। और है बी ऑप्शन है, हिज लेफ्ट रिब, बाई तरफ की जो रिब है, छाती की हड्डी, वो क्रैक कर गई, मुंह में खून भर आया, दांते दांत जो है वो दांत सारे टूट गए। यस, ही ब्रोक हिज लेग, उसका पैर जो है टूट गया, या हिज ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड, उसका हाथ टूट गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों को भूख लग रही है लगता है, नहीं? चलो ज्यादा देर नहीं लेंगे बच्चों, थोड़ी देर और। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड वी आर सिंकिंग, किसने कहा कि हम लोग नहीं लगी है भूख? चलो कोई बात नहीं, अरे आप लोग इचाकिया हो। नहीं, जबरदस्त। यस, शव गुप्ता ने सही जवाब दिया है। बी जिन्होंने लिखा, यस आदित्य ने भी सही जवाब दिया है। जूही विनीत, 10 साल तक भूखे रह सकते हो, अमृतत्व का वरदान लेके आया है। यस, बी इज द राइट आंसर बच्चों, सही जवाब है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, शिप का कंडीशन कैसा था? ब्रोकेन ब्रोकेन टिम्बर, जो लकड़ी थे इसके वो टूट चुके थे। भूखे रहने का बहुत एक्सपीरियंस है सौरभ तुमको, घर में ऐसे भी जल्दी खाना नहीं मिलता है। अच्छा,
घर वाले समझते होंगे कि बेटा फांकी मार रहा है, नहीं? यस इसमें क्या था, स्टार बोर्ड जो है, साइड बोर्ड्स वो भी टूट गए थे, अंदर की ओर कपड़ा जो लगा हुआ था फट गया था, क्रॉकरी बर्तन इधर उधर बिखर गए थे, चार्ट्स इधर उधर हो गए थे, टिन एंड ट्वाइस लॉस्ट सब पानी में तैरने लगा था। बी है देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वेर मिसिंग, उनके अपने सामान जो थे वो खो गए थे, इधर उधर बिखर गए थे, वाटर फील्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लोथ्स वेर मिसिंग, उनके कपड़े भीग गए थे या पूरा पानी घुस गया था, उनके कपड़े गायब हो गए, कांट से कुछ भी नहीं कह सकते। सही जवाब ए है, वेरी गुड वेरी गुड। यस खुशी शर्मा सही बोले सर। बिल्कुल बेटा, यस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए ए इज द राइट आंसर, क्या हुआ था, जितने भी लकड़ियां लगी हुई थी उसमें वो टिम्बर्स जो थे वो टूट चुके थे, टिम्बर मतलब बहुत मजबूत लकड़ी को हम लोग कहते हैं, स्टार बोर्ड जो था वो भी साइड से बर्स्ट हो गया था, इनवर्ड की ओर अंदर की ओर धस गया, कपड़े जो थे फट गए, ठीक है, जो कैनवास लगा हुआ था, क्रॉकरी बर्तन चार्ट सब कुछ बिखर गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू सू, सू के साथ क्या हुआ, व्हेन सू मीन्स सुजैन, व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम, ठीक है, जब कमरे में, थैंक यू सब्सक्राइब 1 मिलियन हो जाएगा, अरे तुम लोग जैसे बच्चे मेरे साथ हो तो फिर क्यों नहीं होगा। यस यहां पर कह रहा है कि क्या हुआ सू के साथ, जब ऑथर जो है कमरे के अंदर जाते हैं देखते हैं तो हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ डम्प बम्प सॉरी उन उसके सर पे चोट लगी थी, शी वॉज अनकंसियस, वह बेहोश हो गई थी, हर लेग्स हर्ट उसके पैर में चोट लगी थी, शी वॉज फाइन ठीक थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, या बहुत सारे लोगों ने लिखा है यस ऑप्शन ए, पूर्णिमा जूही विनीत शगुफ्ता विवेक नंदिनी, वेरी गुड बच्चों, सही जवाब है आप लोगों का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुजैन को सर पे चोट लगी थी, यहाँ बम्प हो गया था, फिर भी वह, यस ए राइट, ए बी अलोन गेमिंग राइट, सही है, सो फनी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवास, मोटा जो कपड़ा है और जिसको कहते हैं प्लास्टिक का मोटा जो कवर है उसको किस तरह से लगाया लेखक ने, बाय रिपेयरिंग द होल्स, जो छेद हो गए थे टूटकर उसके उसे रिपेयर करके, बाय आस्किंग क्र्यूमैन फॉर हेल्प, क्र्यूमैन की मदद मांगी उसने, इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, या अपने आप ठीक हो गया, या द प्रॉब्लम गॉट ओवर द स्टॉर्म हैड पास्ट, सौरभ क्रिएशन, यस विनीत सही है, सही सही है, खुशी बिल्कुल सही, तुम्हारा भी ये नाम शगुफ्ता सही है, तुम्हारा भी विनीत सही है, अमन विनीत विवेक, कभी कभी बच्चों बहुत फास्ट निकल जाता है आप लोगों का कमेंट जो है फास्ट निकल जाता है, इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि आई हैव टू रीड द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है ना, इसलिए आपका नाम निकल जाता है, सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, जिया सही है, डोंट वरी, यस नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नहीं होगा बच्चों, और 25 में चल रहे हैं, कोई श्वेता लगता है स्लो है आपका नेट, थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हैंड पंप काम करना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कचरा फंस गया, डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो आसपास में कचरा जो था वो फंस गया, तो ऑथर ने क्या किया, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, उसने इलेक्ट्रिक पंप जोड़ दिया, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, उसने बकेट से यानी बाल्टी से पानी निकालना शुरू कर दिया,
बाय रिपेयरिंग हैंड पंप, उसने हैंड पंप से रिपेयर किया, ऑथर जो है दूसरा पंप लेके आ गया। यस, कितने लोगों ने सही जवाब दिया? 28 का शगुफ्ता सही है, निंजा सही है, अमान जूही, आवारा आशिक एसके, अरे नाम ही बदल दिया यार। इसका सही ऑप्शन है ए, ऑथर जो है हैंड पंप जब जाम हो गया तो उसने वह पंप लाया, इलेक्ट्रिक पंप, और उसने आउट पाइप से जोड़ दिया। कुछ बच्चे बहुत फनी है, उम्र तुम्हारी यही है। ओके रिया 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 रिया, डोंट वरी, डोंट क्राई, डोंट क्राई। वो क्या है? अच्छा मैं एक बार फिर से, आवारा आशिक। हंस रही हो अब्बास। ओके वेरी गुड। चलिए अच्छा, बिना आंसर दिए उसका नाम ले लिए, इसलिए क्योंकि ऐसा, श्वेता, जिया, खुशी, वाह गजब नाम है। जूही, नाम तो गजब है। और कितना क्वेश्चन है? बस 5-7 क्वेश्चन और होगा बच्चों। हाँ कॉमेडी होना चाहिए, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी ना। नेक्स्ट है, वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप? अपने आप को बचाने के लिए लोग, लेखक और जितने भी लोग हैं, वे लोग कहाँ प्लान करते हैं कि कहाँ जाना है उनको? ऑस्ट्रेलिया, आयल एमस्टरडम, मुंबई, इंडिया, जापान, मुंबई इंडिया या जापान? यस यस, शगुफ्ता सही है तुम्हारा, 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आदित्य सही है तुम्हारा, सोनी, जू सोनी जूही, जूही सही है, अमान शाह, विवेक, रजनीश यानी रिया, आयल एमस्टरडम सही है। हाँ, सही बात है निकिता। निकिता सर, ऐसा सिस्टम हम लोगों के टाइम पे नहीं था, पर अभी भी हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो सोनी, निंजा गेमिंग, एवी अलोन, मुझे भी, मैं भी हूँ सर। अच्छा, ब्यूटी, कुमारी, कुमारी, करिश्मा, राखी, खुशी, काजल, पूर्णिमा, नैना, खुशी, ऋतिक, एसके, आवारा आशिक। ओके 100% कौन है? पाठक किंग, अमित कुमार, खुशी, नंदिनी, एच के गेमर, श्वेता, शेर, मेरा भी सही है, आशीष सही है। ओके बी सही, इसका बी होगा ऑप्शन, आयल एमस्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द साइज ऑफ द आइलैंड दे वर लुकिंग फॉर? उस आइलैंड, उस टापू की चौड़ाई कितनी थी जिसको लोग ढूंढ रहे थे? खुशी का जवाब आया है, नहीं बेटा सही नहीं है, नहीं सौरभ सही नहीं है, ट्राई करो नेक्स्ट। कौन है? बी, फोटो एडिटिंग, बी सही है। 55 गलत है विनीत, अभी सौरभ ने सही किया, आदित्य ने सही है, बी जूही, बी बी, रजनीश, रिया, यस रिया, खुशी, यस पूर्णिमा, खुशी, ईशा, 65 किलोमीटर, यस शगुफ्ता, रिया, यस सर, गुड, 30 का बी होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डेज? 2 दिनों में लोगों ने क्या खाया सिर्फ? पहला मीट और लोब्स यानी मीट खाया और रोटी का टुकड़ा खाया, ब्रेड एंड मिल्क, रोटी और दूध खाया, सी नूडल्स,
डी कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, यस शगुफ्ता सही है, सौरभ सही है, विनीत आदित्य सही है, जूही सही है, आशिक आशीष विनीत सही है, सो गुड। इसका ऑप्शन डी जो है वही सही है, उन लोगों ने बीफ खाया था और क्रैकर बिस्किट्स खाए थे। क्वेश्चन नंबर 32, हु सेड वी आरंट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, किसने ये कहा था कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, राइट, जब जब हम लोग एक साथ हैं, यू एंड मम्मी, आप और मेरी माँ, सू एंड आई, सू और मैं, किसने कहा था, जॉन ने कहा था। क्या बात है, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, क्या मेरा नाम नहीं आ रहा है, ए बी अलोन गेमिंग आ रहा है, बेटा अपना नाम बताओ। 32 का सही जवाब है ए। अरे जबरदस्त नाम आ रहा है तुम्हारा, इतना तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, सो गुड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खुशी पाठक किंग, बहुत सारे बच्चे खुशी, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड दे रीच आइल एमस्टरडम, ये लोग आइल एमस्टरडम कब पहुंचे, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम में 6 बजे, यस यस, नेवर रीच देयर, कभी नहीं पहुंचे, एट 11 इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, या दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट्स, यस सही जवाब, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, 6 PM इन द इवनिंग, सही जवाब यही है, वेरी गुड सोनी, आदित्य, काजल, ब्यूटी, विवेक, यस आवारा, आशिक, अमित, राखी, अमित कुमार, क्या बात है, कुमारी, करिश्मा, नीरज यानी श्वेता शर्मा, आशीष, अमित, आशीष जिया, यस सही आंसर है इसका, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी को जहाज की स्थिति क्या थी, पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल, पंप ने, ईशा सर नॉट बी, अच्छा कोई बात नहीं, जब मैं विवेक बोलूं समझ लेना कि तुम ईशा ही हो, राइट, क्योंकि यहां पे इतने लोगों का नाम नहीं याद रह पाता है बेटा। तो पंप ने पानी को कंट्रोल कर लिया था, ये सही है, या बी है, कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स, और खराब स्थिति हो गई, दे वर स्टिल स्टिल स्ट्रगलिंग, वो अभी भी, यस ए बी अलोन गेमिंग, हंस लो बेटा, कंट्रोल द पंप्स, एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट, ये सब कुछ ठीक हो गया था, जवाब इसका है ऑप्शन ए, कितने लोगों ने लिखा है, तीन जनवरी को पानी सफिशियंटली उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, तभी ये लोग दो दो घंटे के आधार पे सब लोग आराम कर रहे थे, राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती होती है, मैं भी अलोन गेमिंग, अच्छा मैं नहीं, नंदिनी आ रही है, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, नंदिनी ले रहे हैं बेटा, अमित कुमार, नंदिनी आर्या बी, पाठक किंग, देयर कैन ओनली बी वन विनर, ओ डब्ल्यू एन, डब्ल्यू एन लिखा है, ओके आदित्य, हाँ ठीक है समझ गए ना, इसमें पंप से कंट्रोल लोगों ने कर लिया था, तभी एक एक घंटे का टाइम लेकर ये लोग आराम कर पा रहे थे, दो दो घंटे के बाद आराम कर पा रहे थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर्स हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जब लेखक का माथा टकरा गया स्टीयरिंग व्हील में, मेरा भी, चलो ठीक है, खुशी, सौरभ, क्या मेरा नाम नहीं या रहा है, सागर आ रहा है, या रहा है, तुम्हारा भी नाम या रहा है, ठीक है, वेरी गुड, तो ही वॉज हर्ट बाय, ही वॉज हर्ट बट स्टीरी, वो चोट लगी लेकिन वो जारी रहे,
ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ही वॉज नॉट हर्ट, ही गेन्ड कंट्रोल इमिडिएटली. यस अमित, श्वेता, सोनी, उसे चोट लगी. ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, ही फ्लू ओवर बोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स. नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ही वॉज हर्ट बट स्टीरी. चोट तो लगी लेकिन वो काम में लगे रह गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज मे डे कॉल मीन. मे डे कॉल का मतलब क्या होता है? मे डे कॉल मतलब होता है ऐसे समय में बुलावा जिसमें आदमी बहुत ही परेशान हो. हमारा नाम नहीं आओ हो. कैसे नहीं आओ हो पाठक किंग? इतनी बार तो मैंने कहा तुम पाठक किंग लिख रहे हो, अपना नाम बताओ, अमन है क्या? सबके नाम आओ हो, डोंट वरी. कभी कभी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कभी नीचे आ जाओ, राइट? ओके, इसका ऑप्शन ए है कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे, मई के महीने में कॉल जो किया जाता है उसी को हम लोग मेड ए कॉल कहते हैं. डिस्ट्रेस कॉल, ठीक है, डिस्ट्रेस कॉल जब निराश होकर आदमी मदद के लिए मांगता है वो होता है बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी, और या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब जो है वो बी है. वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया. सी नहीं होगा शगुफ्ता, इसमें सी नहीं होगा, क्योंकि मई के महीने में कॉल किए जाने को मेडे कॉल नहीं कहते हैं, राइट? ये गलत हो जाएगा. नहीं, थैंक यू, फनी लैंग्वेज. असल बात फनी उसने लिखा इसलिए मैंने भी फनी फनी बोल दिया. ठीक है, थोड़ा सा मैं भी फन फना गया. किसी ने एक डिसलाइक भी कर दिया, कौन दुश्मनी निकाल रहा है भाई? इतना दुश्मनी निकालना ठीक नहीं है बच्चों. किसका दिल मैंने दुखा दिया भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हैबिटेंट्स, सॉरी हाउ मेनी हैबिटेंट्स, यहां हैबिटेंट्स होना चाहिए था बच्चों, हैबिटेशंस हो गया. हाउ मेनी हैबिटेशंस लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना इसको आप लोग हैबिटेंट्स. वेयर देयर ऑन द आइलैंड, आइलैंड के ऊपर रहने वाले कितने लोग थे? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 28. ठीक है, इसका सही जवाब है बच्चों 28. जूही, यस काजल, जूही, पूर्णिमा, हर्ष, विवेक, रजनीश, तहकीक, अमान, खुशी, करिश्मा, रजनीश, यस रिया, यस जिया, रिया, राइट, आदित्य, एबी एलोन गेमिंग, ऋतिक, सागर, विनीत. ओके ओके, और इसी के साथ 38वां प्रश्न, व्हाट इज मास्ट इन अ बोट. बोट में मास्ट क्या कहलाता है? बोट जो होता है उसमें मास्ट क्या होता है? अ बोर्ड, एक बोर्ड होता है, या एक मोटा कैनवास होता है, या अ मास्ट इज अ पोल, एक पोल होता है जो ऊपर वर्टिकली खड़ा होता है और शिप को सपोर्ट करता है. यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सही है, सही जवाब दिया है. यस शगुफ्ता ने दिया है, जूही ने दिया है, यस सोनी, तहकीक, आदित्य, श्वेता, पूर्णिमा, खुशी, करिश्मा, अमान, काजल, आवारा, आशिक, सी एबी अलोन गेमिंग, यस ब्यूटी, निशा, अमित, यस सी इज द राइट आंसर. नाउ वी हैव 39th क्वेश्चन,
वॉट इज यूज टू स्टॉप एंड कंट्रोल द बोट इन द वॉटर, पानी में बोट को कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, डेक का, एंकर का, व्हील का या हल का? सोचो सोचो, ए बी अलोन गेमिंग। नंदनी आर्या, मेरा भी है सर। यस, तुम्हारा भी है, जरा भी मत सोचना। सोनी, सौरभ, आदित्य, इसका सही जवाब जो होगा बच्चों, ऋतिक ने सही लिखा है, इसका सही जवाब होगा एंकर। एंकर मतलब होता है जिससे जहाज को नीचे की ओर रोका जा सकता है, नीचे की ओर लंगर डालना कहते हैं उसको, एंकर को हम लोग लंगर कहते हैं। यस, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। व्हाट सपोर्ट्स द ऑथर मोर टू फाइट बैक द प्रॉब्लम्स, यहां पर समस्याओं से लड़ने के लिए सही, जो समस्याओं से लड़ने के लिए और फाइट बैक करने के लिए किससे ज्यादा प्रभावित होता है, किसको, किस सपोर्ट के कारण वो ऐसा कर पाता है लेखक, वाइफ के कारण, जहाज चलाने वाले जहाजियों के कारण, या बच्चों के फेथ के कारण, या नन? यस, सही लोगों ने जवाब दिया है। यस, शगुफ्ता सही है, विनीत सही है, सौरभ, तहकीक, काजल, जूही, विनीत, सागर, आदित्य, फोटो एडिटिंग, विनीत, खुशी, सोनी, विनीत, श्वेता, विनीत, विनीत, नंदिनी, पूर्णिमा, नैना, श्वेता, जूही, निंजा गेमिंग, शगुफ्ता, चिल्ड्रंस फेथ, वेरी गुड, रजनीश, रिया, खुशी, कुमारी, करिश्मा, हर्ष कुमार, खुशी, काजल, एच के गेमर्स, विवेक, ईशा कुमारी, अमित कुमार, ऋतिक कुमार। यस बच्चों, वेरी गुड, नंदिनी, अमित, ठीक है, फोटो एडिटिंग, शशि, आशीष। तो बच्चों, इसी के साथ ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। ए बी अलोन गेमिंग, गुस्साओ मत बच्चे, तुम्हारा भी नाम ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड 40 क्वेश्चंस बच्चों, एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, लव यू ऑल। रिया, रिया तुम्हारा नाम ले लिया, रिया तुम्हारा नाम ले लिया, मत रो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, नहीं रोना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉर्ड, सबको स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू, ओके, थैंक यू, आई विल मिस यू टू बच्चे। सब मंडे को क्लास एक बार फिर ये चैप्टर क्लियर कर दीजिएगा, वेरी गुड, कर देंगे। आई एंजॉयड दिस लाइव सेशन वेरी मच, वेरी गुड आदित्य, थैंक यू ऑल। सर मेरा नाम नहीं लिए, आशीष कुमार लिए, अभी लिए, तुरंत लिए। रजनीश, विनीत, अमान, बाय बाय, गुड नाइट, शगुप्ता, शब्बा खैर, विवेक, पूर्णिमा, आशीष, कुमारी, खुशी, कुमारी, नैना, खुशी, सौरभ, जूही, थैंक यू ऑल, काजल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कुमारी, करिश्मा, निंजा, आवारा, आशिक, तहकीक, विनीत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो बट ए डे आफ्टर टुमारो, आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू इफ आई टेक लाइव क्लास अगेन। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। कल चाहोगे तो कल भी क्लास लेंगे, कल क्लास ले लीजिए। अच्छा ठीक है, कल ले लेंगे, ठीक है। तो कल जो क्लास लेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया गया है उससे लेंगे, है ना, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, गुड नाइट।